आप पूरा सेट भी ऐसे ही थे। हाँ, I can't tell you. How much noise used to make all the time. हाँ, ये तो कुछ नहीं है, मीडिया है ना सामने, इसलिए थोड़ा वेल बिहेव्ड है। You have to say on national TV that I'm gonna direct you one of your next musicals for musical for Rose. You are gonna direct. Okay. हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश में? हिंदी में। रिजेक्ट्स एक बहुत ही यंग शो है और मैं ये चाहता था कि एक काफ़ी टाइम से एक यूथ बेस्ड यंग एंड रेस्टलेस शो नहीं आया था जो कि ये दर्शाए कि किस तरह से ये यंग पीढ़ी जो है एकदम बदल चुकी है, इनके जो सही और गलत के जो तात्पर्य है, जो इनके जो लिमिट्स हैं, ये चेंज हो चुके हैं और काफ़ी जिस तरह से इन्हें दर्शाया जा रहा था बहुत ही गलत था और ऐसे दिखा रहा था कि सिर्फ इर्रेस्पॉन्सिबल है या सिर्फ बिगड़े हुए हैं या इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि दो चार चीज़ें कहूँ इसमें कि इस पहली चीज़ तो ये थी कि मैं चाह रहा था कि हमारे जो इंडियन किड्स आ दे आर नाउ ग्लोबल किड्स, यू नो, आज का जो हिंदुस्तानी बच्चा है वो किसी भी देश से कम नहीं है। और मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वड़ी से नॉट ओनली इन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन बट इन द वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो, यू नो। तो इसलिए मैंने जो किया है कि ये शो जो है मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल में सेट किया जो कि सिंगापुर में है और वहाँ पे मतलब अलग अलग देश के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और उनमें से जो है ये 7 बच्चे जो है हिंदुस्तान से आते हैं पढ़ने के लिए और ये दिखा रहा हूँ मैं कि क्यों ना हम हमारी जो कहानियाँ हैं वो इस लिमिट तक भी जा सकती हैं, यू नो। और हम हमेशा देखते हैं कि सिर्फ अमेरिकन शोज देखते हैं, उसमें अमेरिकी बच्चे होते हैं उनके ऊपर कहानी होती है या कोरियन बच्चे हैं उन पर कहानी होती है या चाइनीज़ होते हैं या यूरोपियन होते हैं। तो वी सेड व्हाई नॉट इंडियन यार, यू नो, वी आर एज गुड एज एनीबडी एल्स, यू नो, एंड वी शुड प्लेस दिस किड्स इन एन इंटरनेशनल फोरम एंड शो दैट दे आर इशूज़ एंड दे आर बिलीव्स आर एट पार विद द वर्ल्ड, यू नो। सो बट ये सब चीज़ें सिर्फ अगर मैं इस तरह से कहूँ तो उसमें मज़ा नहीं आता है, साथ साथ में लोगों का मनोरंजन भी होना चाहिए। तो मेरा बड़ा दिल था कि स्नेहा के साथ काम करूँ और एक म्यूज़िकल बनाऊँ बहुत 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 सालों से, कुछ मुझे लगता है 8-10 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ करें साथ में। तो जब मनोरंजन के लिए सो जब ये कहानी मैं बना रहा था और जब कैरेक्टर बन चुके थे तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे एक म्यूज़िकल थ्रिलर बनाना है और एक म्यूज़िकल थ्रिलर जो एक कैंपस पे सेट हो। बहुत कम ऐसे सीरीज़ या कहानियाँ बनती हैं। तो द फर्स्ट एक्सटर्नल टेक्नीशियन दैट एक्चुअली गॉट इन टच विद वाज स्नेहा, यू नो, और बिफोर आई इवन रोट द एपिसोड आई नरेटेड हर द कैरेक्टर्स, यू नो, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज शी वाज ए विलिंग टू वर्क एंड बी विलिंग टू वर्क विद मी। सो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड आई थिंक obviously she was also extremely excited, that's why she did it and we started building the music actually from the characters itself. We remember we met at a cafe. I didn't have a story, I just had characters and I had un characters ki kahani thi mere paas, you know, to main un characters ki kahani batata gaya hai na aur kya character kis tarah se band mein aata hai, kyun aata hai और क्या ऐड करता है बैंड में, कि कोई लिरिसिस्ट है तो कोई वायलिन प्लेयर है तो कोई सिंगर है तो कोई कोरियोग्राफर है, कोई मैनेजर है, कोई डीजे है। तो ये सब एक नई दुनिया सी बनाई और एक इंटरनेशनल फोरम में बनाई जो कि आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कहानियां जो है एक कम्प्लीटली एक अनबिलीवेबल वर्ल्ड में सेट हो जाती हैं, यू नो, और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ही मतलब ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो जाती है। तो मैं चाहता था कि यू नो इसे रियल रखते हुए इसे एक एस्पिरेशनल क्वालिटी भी दें, दैट इज़ वाई वी देन सेट इट इन अ वर्ल्ड विच इज़ बिलीवेबल बट इट इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल, यू नो। जैसे सर ने बताया कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे, तो जब
म्यूजिक के लिए काम करना स्टार्ट किया तो कितना टाइम लगा इस सीरीज को म्यूजिक देने के लिए? You want to answer that? Actually, I have to say, पहले कई सालों पहले when I had met Goldie, तभी एक दो बार ऐसे projects आए थे इनके production की तरफ से, लेकिन he was not directing it. So I was like, तो anyway, but this one he was directing. So then, तो मुझे लगा कि अभी तो असली interaction होगा ना music वाला. And I know he has a great sense of music. Mm-hmm. उनकी legacy है. Mm-hmm. और and I know that he likes my music. Mm-hmm. एक वो होता ना like you understand that सामने वाला likes your music. So actually composing for the songs was actually the best part. क्योंकि और वो जल्दी जल्दी तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी स्मूथली हो पाया बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक द ट्यून विच आई वुड मेक एंड ओनली देन प्ले टू हिम. And thankfully, he would mostly like it. Aye. Yeah. And so, I was not trying to just chipka or something, is all I know. Sometimes I do, mm-hmm. advertising and all that. But yahan pe thoda sa zyada heart-to-heart interaction tha. And mm-hmm. I think that's what I was also missing for a while. Mm-hmm. So I got that. इसी कारण से बिकॉज आई थिंक इट्स एन आर्टिस्टिक अर्ज ऑल्सो टू वर्क फॉर समबडी हु लाइक्स योर वर्क. तो मुझे 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 पता है कि इफ आई एम टेलिंग हिम सम ट्यून ही इज लिसनिंग. ऑल्सो शी इज अ ग्रेट रोमांटिक एट हार्ट और इन्होंने आज तक कभी रोमांटिक गाने बनाए नहीं थे. Yeah. और इस शो में पूरी भड़ास पूरी कर दी इन्होंने और कितने 3 या 4 रोमांटिक बैलेड्स हैं इसमें. mm-hmm. और क्यूट सॉन्ग्स हैं, हाई स्कूल सॉन्ग्स हैं. mm-hmm. जो कि उन्हें सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी. mm-hmm. तो जनरली वी डोंट एसोसिएट नेहा विद दैट काइंड ऑफ म्यूजिक बट आई वाज 100% 200% कॉन्फिडेंट दैट शी हैज दैट इनसाइडर एंड शी इज डन अ वंडरफुल जॉब, फैंटास्टिक जॉब. इनफैक्ट द रोमांटिक सॉन्ग्स आर माय फेवरेट इन दिस एल्बम. सॉन्ग्स वगैरह पे मैंने तो सिचुएशंस बताई नो इन्हें और कैरेक्टर्स बताए, बाकी सब काम तो इन्होंने किया. इन्होंने सिर्फ मुझे ट्यून्स सुनाई और मैंने सिर्फ बताया कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद है. और अगर नहीं भी पसंद है तो भी इन्होंने बोला नहीं तुम फिर से सुनो, रात में सुन के वापस आना, कल आना, कल अच्छा लगेगा. और वो समटाइम्स इवन दैट वर्क्स यू नो बिकॉज यू हियर इट इंस्टिंक्टिवली बिकॉज हाउ म्यूजिक इज सो ओरिजिनल ना. तो जब पहली बार सुनते हो तो ऐसे सुना सुनाया नहीं लगता है ना, तो आप इमीडिएटली उसको जज नहीं कर पाते. तो एक रात गुजरनी चाहिए, ओवरनाइट यू शुड स्लीप ओवर इट, अगले दिन फिर से सुनना चाहिए, फिर आपको पता मतलब ऐसे ट्यून को तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए. हाँ बिल्कुल, स्लीप ओवर इट. बट पुनीत शर्मा हु इज आल्सो द लिरिसिस्ट, ही वाज आल्सो प्रीटी लाइक गोल्डी आल्सो लाइक्ड हिम. उन्होंने भी वो क्या हम लोग सब लोग साथ में बैठ के जब गाने बनाते थे, इनफैक्ट वी यूज्ड टू मिस हिम बिकॉज़ उनको ही वाज शूटिंग, बट वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर. देयर आर टू लीड सिंगर्स चरण एंड प्रतिका एंड देन देयर इज म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेरा जो टीम में था शिजान, अमेजिंग म्यूजिशियन. सो ऑल ऑफ अस यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वी वर लाइक दिस ऑल द कैरेक्टर्स, वी वर एक्चुअली मेकिंग म्यूजिक ऐसे एक दूसरे पे आइडियाज पे फेंक के, यू नो. सो या सो पुनीत आल्सो इज अ इज ही इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन हिज वर्ड्स, बट शी इज वेरी फास्ट एट कंपोजिंग यू नो बिकॉज़ ओनली फॉर यू. नो नो बिलीव मी बिकॉज़ यू नो आई टू सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ मी शी हैज कंपोज्ड सिटिंग इन माय हाउस व्हिच यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मेक. यू लाइक नहीं नहीं पहले सुन लो सारा ब्रीफ एंड यू लाइक नो नो नो. सो देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड डोपामाइन, you know, where I had a situation where I wanted to start off the musical journey of the band, but it was not a band song, it was a montage song, it was a background song. But she came up with this word dopamine, you know, which is actually good enzymes in your brain, you know, hormones. And how she used that word, you know, and dope comes from dopamine, so actually it's not a bad word, you know. And we've just you know us word ko galat tarike se log use karte hai, but actually it's not a wrong word. Yeah. And that's exactly what this show is about also, you know, that it's how you're looking at things, you know. It's how you're looking at rejection. You know. Or then the other song kya gaye, there was a romantic song where Aravind Kiara supposed to
you know, jam for a song. And we did what Kishore Kumar days mein jo hota tha na, jab acha to main chalta hu. So she said, kya gaaye hum? And that became the lyrics of the song. Okay. And I made that into the dialogue also. You know, I corrected the dialogue also on set, by the way, as a lead into the song. And her lyricist was there. Puneet was there. Puneet Sunarji with me also is right now. Jo tum gaaye, wo dohraaye. Wo dohraaye. And that became a song. Mm-hmm. And that's actually one of the best songs in the album, you know. Mm-hmm. Love duets in the album. Mm-hmm. So how a conversation becomes lyrics, then became a tune in front of my eyes, you know. And that is still there in the album. Mm-hmm. And I put it in the dialogue also. So this kind of synergy and this kind of organic growth, no, very bahut hi rare hai. Mm-hmm. Matlab, agar aap dhundoge to nahi milega. Mm-hmm. Apne aap hi ho jana chahiye. Mm-hmm. Okay, Sneha, the excitement for working with him, was it more, kaisa laga tha? Yeah, absolutely. Wohi maine kaha na ki ek ease bhi hai ek tarah se. You can tell him ki aapne aap zyada suno, please, then get back to me. Mm-hmm. So there's just a lot of chill in Goldie, which emanates. He's pretty chill and he still puts across the point of feedback correctly, also the brief. And just, I don't know, he's just a teddy bear. Sorry. To work with, I mean, he's just really like chill. Mm-hmm. Like, you know, he makes you easy. You all agree, right? He's a teddy bear. Yes. You agree? Yes. Sorry. He doesn't like being called that, but but yeah, he's pretty easy to talk to. Okay, Melissa, how difficult it was for you to just the cast, deciding the cast? Well, difficult in the sense that I was very clear that I wanted newcomers for the show. Okay. You know, I didn't want many chahta tha ki koi aisa already established artist loom hai jiska apna khud ka ek personality, apne khud ka ek baggage hai jo leke aaye character mein. To hamare characters itne strong aur itne cutting edge hai. तो मैं चाह रहा था कि अगर एक नया एक्टर इसे या एक्ट्रेस इसे स्क्रीन पे लेके आए तो वो जो कैरेक्टर है वो उसकी पर्सनालिटी बन जाती है. तो वी वेंट थ्रू अ वेरी सिंपल कास्टिंग कॉल, यू नो, एंड ऑल ऑफ देम हैव कम थ्रू, यू नो, द सिंपल ऑडिशंस. यू नो, वी हैड अ फैंटास्टिक कास्टिंग डायरेक्टर कॉल प्रियता एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब. I actually didn't see too many options, or maybe my casting director saw a lot of options and I saw just a few. Mm. And some of them came for some other roles. Mm. But we then retested them for these roles that they're doing just now. So it was a very quick idea to take newcomers, but finding the newcomers took a certain amount of time, like it should take. Mm. Then doing readings with them, doing rehearsals for basketball, fencing, you know, some DJ lessons, some violin, some because there's so much dancing. Yeah, there was a lot of dancing also, cheerleading. So there's a lot of, because ek pura campus dikha rahe the, us campus mein kya kya cheeze hoti hai wo pura ka pura inhone kiya hai. Aur 2-3 mahine ki puri rehearsal ki hai in sab ne, to tab jaake hum shoot kar paaye aur use jaldi shoot kar paaye. सी रिस्की सिर्फ दो रीजंस की वजह से हो सकता है. एक ये है कि आपको ये जो अपनी स्टोरी है इसे बनाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात है कि कोई देखेगा नहीं. अब ये जब ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो पैसे लगाने वाले Z5 थे और उनका सब्सक्रिप्शन बेस बड़ा है और उनका प्रमोशन और मार्केटिंग बहुत ही बेहतरीन है. तब ये जब ये दोनों चीज़ें कवर होगी और वो भी चाहते थे कि न्यू कमर्स लॉन्च करें, तो फिर रिस्की तो रहा नहीं. बाकी रहा ये कि अब इनसे एक्ट कराना है, तो वो तो काम है सबको, मतलब दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, राइट? सो दैट इज जस्ट सिंपल, दैट्स जस्ट डूइंग योर जॉब, दैट्स इट. रीमेक से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन काफ़ी अलग भी है, बिकॉज उसमें भी बैंड था, उसमें भी अमीर बच्चे थे, इसमें भी है. बट एक कम्प्लीटली नया जनरेशन है ये. इनकी बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली अलग है, यू नो. और सिर्फ जैसे मैंने कहा था, सिर्फ इंडियन कहानी नहीं है ये, एक इंटरनेशनल कहानी है.
ये जो सब सब चीज़ें जो ये बच्चे महसूस कर रहे हैं, ये यू नो दुनिया का कोई भी बच्चा महसूस करेगा, सिर्फ इंडियन बच्चे नहीं महसूस करेंगे. तो उस तरह से इट्स इट्स लार्जर बेटर रीमेक्स एट प्रीतम म्यूजिक, दिस है स्नेहाज म्यूजिक, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द टू. I would say student of the year should be compared to remix. That rejects, came first. No? Oh, no, okay. That came first, then student of the year, and now this is coming. Mm. No, it's very different, you know. Karan has a different sensibility. His music is different. My music is different. His way of executing is very different. His characters are very different. My characters are far more edgier and darker. So it's a complete thing. Yes, it's the same genre. So comparisons to honge. You know, whether it is Student of the Year or Riverdale or 13 Reasons Why or Elite, तो ये सब campus की stories है, तो campus की stories है, तो और you know that sex education, ये सारी successful shows हैं और successful movies हैं. तो comparison तो होगा, because genre वही है ना. अभी आप एक action film बनाओगे तो you know people will compare, अरे ये Mission Impossible की तरह है क्या, you know. तो उस तरह से comparison तो होगी. I'm not saying no, and it's maybe a good comparison also. ये रिजेक्ट इसलिए है क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप रिजेक्टेड हो जाते हो तब आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है. तो ये सब सब जो कैरेक्टर्स हैं, ये दे गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन इन देयर लाइफ एंड देयर स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो आई वॉन्ट ऑल द किड्स टू ऑल्सो बिलीव दैट, यू नो, सारे जो यंग लोग जो देख रहे हैं, कि आप जितना जल्दी रिजेक्शन फेस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ताकि आप उससे उसके बियॉन्ड जा सको और वहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है. That is why it's called rejection. Exactly. देखिए, गलत जिसको करना है और गलत क्या है और क्या नहीं है, वो सब बहुत ही मतलब थिन लाइन है और बहुत ही मतलब यू नो इंटरट्वाइंड है. बट इस तरह से कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ मैं कि गलत ना करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बिकॉज काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो गलत चीज़ें भी करते हैं. लेकिन अगर आप जो सोसाइटी वाइज गलत है, यू नो, जो हमने जो यू नो पैरामीटर्स बनाए हैं सोसाइटी में, उसके दायरे के अंदर वो चीज़ गलत है, और उसका जो है उनको यू नो इफेक्ट भी होता है, यू नो. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय हु विल एवर से दैट ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, यू नो. अगर आप में इफ़ यू हैव बॉल्स, यू गो अहेड एंड डू इट, यू नो. But then this is society and that's how it's going to react. So you've got to be, then have the balls to face it also. That's my philosophy in life. So that's how my character will behave. बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारा रोमांस है, बहुत सारा थ्रिल भी है. किस तरह का मतलब, जिस तरह से एक्चुअली आपको शो देखना चाहिए, बिकॉज ये हर हफ्ते दो दो एपिसोड आएंगे और कहानी खुलती जाती है, बिकॉज ये एक दो टाइम लाइन पर चल रही है कहानी, और दोनों टाइम लाइन में एक पास्ट है और एक 8 महीने पहले की कहानी है, और उसमें जो है सारे कैरेक्टर्स में डिफरेंस आता है, शूटिंग स्टाइल में डिफरेंस है, म्यूजिक में डिफरेंस है, यू नो बैकग्राउंड स्कोर में डिफरेंस है. So that's a very exciting aspect of the show, of how we're running two timelines, parallel timelines, continuously all through 10 episodes, and how slowly it becomes one timeline towards the last two episodes. Romance jo hai ek matlab do teen kisam ke romance hai isme. Ek quintessential hero heroine ka romance jo hota hai, Arav aur Kiara ke beech mein hai, which starts with hate and ends up with love, but they never end up dating in the entire series. They never end up dating, you know. Oops, I think I've given away something, but that's completely unrequited, you know. All through the series they don't win, they don't date throughout, you know. Maybe season 2 they might, but there's also very interesting love triangle between Maddie, Sehmat and Misha, where there's not only confusion about one character's sexuality, but the other characters growing up from a boy to a man, to a young girl who is pure-hearted but feels that she's being taken for a ride,
you know, towards the end of the series. So there's a lot of intertwining of relationships in that, you know. And of course, there's a romance between Arav and Anusha, which is Kubra's character. So there is a counselor and student romance as well in the show. Okay, Sneha, if you talk about it, you have given a lot of music, you know. So what inspires you? I think what I'm going through in life inspires me. So recently I was a lot in love, so romantic songs. Yeah. So lastly, marriage has changed her. Thanks, Kanu. Well, initially I was in that whole के लूंगा टाइप स्पेस, यू नो, पर अभी अभी ये टीनेजर सॉन्ग्स बनाने में भी इंटरेस्टिंग. ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? रिजेक्ट्स देखने वाले, सो रिजेक्ट विल बी आउट ऑन 25th, एंड फ्रॉम देयर ऑन एवरी थर्सडे 2 एपिसोड्स विल बी आउट एवरी वीक. प्लीज वॉच इट, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम यू गोइंग टू सी अ सीरीज व्हिच इज कंप्लीटली म्यूजिकल एंड बेस्ड ऑन थ्रिल. And a lot of energy, lot of excitement, and watch it. I highly recommend listening to the entire album before only, so that you get into the series even more, because those sare gaane kafi intertwined hai. Yeah, situation. Aur pyar se banaya. Thank you so much. Thank you. Who's funnier? Huh?